हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग के बीच बताने वाला हूं कि अपने YouTube चैनल पर आप Google AdWords कैसे लिंक कर सकते हैं। तो आप भी अपने YouTube चैनल पर Google AdWords लिंक करना चाहते हैं और लिंक करके अपना चैनल को प्रमोट करना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहे, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि आज मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि अपने यूट्यूब चैनल पर गूगल एडवर्ड कैसे लिंक किया जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग को बताते हैं कि किस प्रकार अपने यूट्यूब चैनल पर गूगल एडवर्ड को लिंक किया जाता है। हाँ तो दोस्तों, मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ और अभी मैं आप लोग के बीच बताने वाला हूँ कि अपने YouTube चैनल पर Google AdWords कैसे लिंक करते हैं। तो आप भी अपने YouTube चैनल पर Google AdWords लिंक करके अपना चैनल प्रमोट करना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहे। तो सबसे पहले मैं अपने YouTube स्टूडियो में आ गया हूँ, तो आप भी अपने YouTube स्टूडियो को ओपन कर लेना है। तो इस प्रकार YouTube स्टूडियो का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट में यहाँ पर दिखेगा आपको सेटिंग, तो यहाँ पर सेटिंग में क्लिक करना है। तो सेटिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको चैनल में क्लिक करना है। तो चलिए मैं चैनल में क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद एडवांस सेटिंग में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है गूगल एड्स अकाउंट लिंकिंग, तो यहाँ पर ध्यान से देख ले गूगल एड्स अकाउंट लिंकिंग वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर लिंक अकाउंट का एक ब्लू कलर का ऑप्शन दिखाएगा, तो उसमें क्लिक करना है। उसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन खुल जाएगा। तो यहाँ पर एक YouTube चैनल लिंक डालना है। तो चलिए मैं अपना YouTube स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ कि किस प्रकार YouTube चैनल का लिंक निकालना है। तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ YouTube.com। YouTube.com सर्च करने के बाद इस प्रकार YouTube ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट साइड कॉर्नर में चैनल का लोगो दिख जाएगा, तो उसमें क्लिक करना है। उसके बाद योर चैनल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इस प्रकार आपका चैनल ओपन हो जाएगा। तो सबसे ऊपर में यहाँ पर URL दिख रहा है चैनल का, तो उसमें क्लिक करना है और उसको कॉपी कर लेना है। तो चलिए मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। और उसके बाद जहाँ पर मैं लिंक कर रहा था उस वाले डैशबोर्ड पे जाना है और यहाँ पर चैनल लिंक यहाँ पर पेस्ट कर देना है। चैनल लिंक पेस्ट करने के बाद उसके नीचे यहाँ पर गूगल एड्स कस्टमर आईडी, तो यहाँ पर गूगल एड्स का कस्टमर आईडी यहाँ पर पेस्ट करना है। तो चलिए गूगल एड्स का कस्टमर आईडी कहाँ से निकालते हैं, तो चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर शुरू से काट कर फिर से दिखाऊंगा आप लोग को। तो यहाँ पर आना है, उसके बाद यहाँ पर सर्च मारना है गूगल एड्स। उसके बाद सबसे ऊपर वाले वेबसाइट पर क्लिक करना है। तो थोड़ी देर वेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर मेरा नेट थोड़ा स्लो है, तो इस कारण से ओपन होने में टाइम लग रहा है। तो उसके बाद यहाँ पर गेट स्टार्टेड में क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद कुछ देर वेट करना है। तो हमारा नेट काफ़ी स्लो है, इस कारण से मेरे सिस्टम में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है ओपन होने में। तो आपका नेट अच्छा रहेगा तो आपका बहुत जल्दी ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार गूगल एड्स का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर राइट साइड कॉर्नर में यहाँ पर कुछ यहाँ पर आईडी दिखेगा आपको और उसके नीचे आपका ईमेल आईडी दिखेगा। तो ये जो 10 डिजिट का आईडी दिख रहा है, तो यही आपका गूगल कस्टमर आईडी है। तो इसे कॉपी कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर आकर के पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर आकर के मैं पेस्ट करता हूँ, जैसे यहाँ पर नीचे एक्सेप्टेड लिखा हुआ आ जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर कोई किसी भी ऑप्शन को अनटिक नहीं करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो हमारा तीनों ऑप्शन जो है उसमें टिक लगा हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पर नीचे डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो इस प्रकार आपका यहाँ पर चैनल लिंक और उसके नीचे गूगल का कस्टमर आईडी, उसके बाद स्टेटस में आपको अनसेव्ड लिखा हुआ रहेगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर नीचे सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो सेव में क्लिक करने के बाद आपको कुछ देर वेट करना है। उसके बाद यहाँ पर सेटिंग सेव्ड वाले ऑप्शन लिखा हुआ आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर फिर से मैं जा करके ट्राई करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अवेटिंग अप्रूवल दिखा रहा है स्टेटस में, तो कुछ देर वेट करना है। उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक अप्रूवल हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका गूगल एडवर्ड लिंक हो जाएगा चैनल से। हाँ तो दोस्तों, इसी प्रकार टेक्नोलॉजी और ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड वीडियो हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।